नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितने आसानी से घर में बैठकर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है और आप उस एंड्रॉयड फ़ोन के मदद से आप अपना बिजली का बिल घर में बैठकर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो बने रहिए ज्ञान ज्ञान टेक्नोलॉजी चैनल के साथ और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप अपना बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का दबाइए ताकि अगला मैं जो वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे आइए और मोबाइल पे आपके आपका डाटा ये सब करने के लिए आपका मोबाइल डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए। आप प्ले स्टोर में आइए, जैसे कि मैं यहाँ से मैं अपना प्ले स्टोर में आता हूँ। सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, यह पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो ये एप्लीकेशन आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट स्मार्ट ऐप एरे, ये आप देख सकते हैं। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ऐसा एक होम पेज आपके पास आएगा तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ पूरा ये जितना भी मतलब स्टेट है वो सारा स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, जो जहाँ से आप स्टेट जो भी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप बिल ऑनलाइन यहाँ से पे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आसाम से हो तो मैं आसाम सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं आसाम पे क्लिक किया तो यह आ गया APDCL असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन क्विक पे। यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर ID डालना है। ये मैंने अपना पेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर ID सभी को रोमन, ये उसका इन्वेस है, इन्वेस्ट डेट है, इन ड्यू डेट कितना है, अमाउंट कितना देना है, सब डिवीजन कौन सा है, ये सब आपका आ गया। अगर आप अपना कंज्यूमर ID डालेंगे तो ये आपका भी आ जाएगा। तो उसके बाद होता है कि यहाँ पे ये सब तो आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस डालना होगा। अगर आप जैसे आप करेंगे, अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है तो ये आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। अगर अभी तक आपने जीमेल एड्रेस अपने ही खोला है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख के जीमेल अकाउंट कैसे खोलना है ये बहुत ही आसान है, आप वहाँ पे देख कर भी खोल सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ये जीमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं पे क्लिक करूँगा तो ये आपका आगे पेमेंट गेटवे, आप मतलब अपना डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर प्लस ATM पिन से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट और कैश कार्ड से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे सबके लिए आसान होगा डेबिट कार्ड, मैं अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर डालिए। अपना कार्ड का जो नंबर होगा वो कार्ड नंबर आपको डालना है, एक्सपायर डेट जो डालना है, CVV CVC ये दोनों का जो भी है कार्ड के पीछे में जो दिया हुआ है वो डालना है, वो कार्ड में आपका कार्ड होल्डर का नाम जो भी है वो डालना है और आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने से आपको एक OTP आएगा और OTP को डाल के आपको कंटिन्यू करना है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। तो ये था कुछ स्टेप जिससे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं। असम से है तो असम गवर्नमेंट ने भी एक अपना गवर्नमेंट ऐप वहाँ पर लॉन्च करके रखा है, तो मैं उस ऐप पे जाके आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे उस ऐप के ज़रिए भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। वो सिर्फ असम के लिए है, तो यहाँ से मैं अपना मिनिमाइज करता हूँ। तो जो ऐप है गवर्नमेंट का वो ऐप मैं आपको खोल कर रखाता हूँ। यहाँ से आप अपने प्ले स्टोर में आइए, प्ले स्टोर में आकर आपको सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है माई बिजली। जैसे माई बिजली पे सर्च करेंगे तो ये जो पहला ऊपर हमें आएगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे और माई बिजली सिलेक्ट करने के बाद ये आपका आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको भी पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो यहाँ से मैं ऑपन पे क्लिक करूँगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप असम से है तो ही आप इसको इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर ID और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर आप पहले से
रजिस्टर करके रखा है तो रजिस्टर पे आप साइन इन पे क्लिक कीजिए अपना यूजर नेम पासवर्ड के साथ। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से सिंपली तीन ऑप्शन है, आप क्रिएट वन, क्रिएट वन में आप क्लिक करके आप अपना नया अकाउंट मतलब खोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ जीरो, तो देखिए यहाँ पे आपको अगर रजिस्टर करना है तो आपको आपके पास इस तरह से आ जाएगा। मैंने अपने पहले से रजिस्टर करके रखा है तो यहाँ पे आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दूसरा एक कंजन नंबर ऐसे ही डाल के तो आपके पास ऐसे आएगा। तो यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है। अगर ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर देख कर अपना ईमेल एड्रेस खोल सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर देख डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं, और आपका यह पासवर्ड जो आप पासवर्ड अपना तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जो उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर अपने बिल में देख कर डालना है और वहाँ पे पासवर्ड भी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि साइन इन एज गेस्ट यूजर, आप साइन इन एज गेस्ट यूजर पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाकर भी आप अपना क्विक पे में जाएंगे तो आप यहाँ से भी कोई मतलब यूजर नेम पासवर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्विक पे पर क्लिक करना है और यहाँ आ जाके आपको अपना कंज्यूमर आईडी डालना है। जैसे आप कंज्यूमर आईडी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लीजिए आपका ये आ गया। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस डाल के पे पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड कुछ सिलेक्ट करके ऑनलाइन इसको पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप फ्यू बिल का भी ऑप्शन है, फ्यू बिल पे भी आप क्लिक करके अपना बिल देख सकते हैं। प्रीपेड रिचार्ज का मीटर है वो यहाँ से प्रीपेड रिचार्ज में क्लिक कीजिए, मेरा तो उस पर दे तो यहाँ पे मेरा नहीं होगा। अगर आपके पास असम गवर्नमेंट का प्रीपेड मीटर है तो आप अपना प्रीपेड मीटर का यहाँ पे कस्टमर आईडी डालिए और यहाँ से आप रिचार्ज कर पाएंगे। आप हाउसर प्रिंट अगर आपने तो उसके बाद है आपका प्रिंट अकनोलेजमेंट, जिससे अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, आप न्यू कनेक्शन आपको लेना है तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिए अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे जो आपका फॉर्म आएगा वो फॉर्म को आपको भर के जाना है और अपना आप यहाँ से नया कनेक्शन के लिए आप रजिस्टर कर पाए। अगर नया कनेक्शन लेना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे है रिपोर्ट स्ट्रीट लाइट आउटेज, अगर आपका स्ट्रीट लाइट आउटेज है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो असम गवर्नमेंट का है, असम गवर्नमेंट का जो लोग है जो असम का है उन लोगों के लिए है। रिपोर्ट थेफ्ट डब्ल्यू मिस यूज़, अगर कोई भी आपका लग रहा है कि कोई उसकी इलेक्ट्रिसिटी का चोरी कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप अपना डिटेल्स डाल के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या मैक्सिमम 500 कैरेक्टर यहाँ पे आप टाइप करके या सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे तो बिल पेमेंट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये कहते हैं। अगर आपने क्रिएट अकाउंट में जाकर रजिस्टर कर लिया है तो रजिस्टर करने के बाद कैसे होगा ये मैं दिखाता हूँ। आप अपना कंज्यूमर आईडी और पासवर्ड डालिए यहाँ पे, तो डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए तो आपके पास सामने ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे बहुत आप यहाँ से अपना फ्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका 6 महीने तक या आप बिल देख सकते हैं। आप पे बिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप कितना बिल आपको पेमेंट करना है। ईमेल एड्रेस हुआ, अगर ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर जब किया था जो आपका ईमेल एड्रेस होगा यहाँ पे आपका अपना आप आ जाएगा। यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं और अगली बार आ गया आप लास्ट 6 महीने में आपने कैसे पेमेंट किया है। मैंने तो हमेशा ऑनलाइन पेमेंट किया है तो मेरा यहाँ पे मोड में ऑनलाइन दिखा होगा। अगर आपने ऑफलाइन किया है, अगर ऑफिस में जाकर किया है तो वो आपका वो दिखाएगा। मैंने तो हमेशा ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन है। तो जो लोग प्रीपेड मीटर यूज़ करते हैं वो प्रीपेड पेमेंट में भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा इधर दिखा रहा है दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पोस्टपेड कंज्यूमर। मेरे जो पोस्टपेड करने जमा है तो मेरे लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको बिल यहाँ से पे करके दिखाता हूँ आप कैसे बिल पे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लॉगिन करने के बाद पे बिल पे जाना है। पे बिल के जाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट आ ही जाएगा आपको कितना बिल देना है, कौन सा क्या 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 है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मैंने जो डाल के रखा था वो ईमेल एड्रेस अपने आप आ गया। आपको सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करना है रीडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे, प्लीज वेट पेमेंट इज प्रोसेसिंग। आप देख रहे हैं कि पेमेंट नंबर 411 है और यहाँ से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे कि आप डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं,
debit card plus ATM pin, wallet plus case card. मैं यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स जो है ना वो डिटेल्स डालना होगा आपको, आप कार्ड में देख के भी ये आप इसका भर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट कार्ड नंबर जो है आपको कार्ड के ऊपर वो लिखा होगा, ये एक्सपायर मंथ एंड ईयर, ये सीवी भी वो जो कार्ड के पीछे होगा वो कार्ड होल्डर नेम जो आपका कार्ड होल्डर का नाम होगा वो उसका इसमें डालना है, वो बराबर डालना है आपको। से आप अपना कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू कीजिए, मैं अपना कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, कार्ड नंबर डालने के बाद आपको से मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपका मर्चेंट एपीडीसीएल पे आ गया है, ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज 411 है, और अमाउंट है या मेरे कार्ड का एंडिंग नंबर है, और OTP जो है मेरा इस नंबर पर आ गया है। तो चलिए OTP को देखते हैं, यहाँ पर आप OTP देख पाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि 1080 वन टाइम पासवर्ड पर ऑनलाइन पास है 111 APDCL थ्रू स्टेट बैंक डेबिट कार्ड इतने हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है 104887 इस OTP को वहाँ पे आपको डालना है 104887। तो चलिए मैं डाल के देखता हूँ 104887, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू, थैंक यू योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव विद द फॉलोइंग डिटेल्स, प्लीज़ कोट योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैंक से भी मेरा SMS आ गया है कि आपका APDCL में इतना सा पैसा आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ID में जो है ID आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट एंड टाइम आपने के कब मतलब पेमेंट किया, अब रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट कितना दिया, मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से प्रिंट पे भी क्लिक करके इसको सेव एज़ PDF कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे लेकर भी आप इसको मतलब एक कॉपी आप सेव कर सकते हैं। एक सिंपली आप जूम को अनजूम कीजिए, और यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपका मोबाइल में, जो जैसे आप चलता है मेरा मोबाइल में से आता है तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। जैसे अपना मतलब ये था आपका बिल पेमेंट का, जो आप ऑनलाइन घर में बैठ कर भी आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप अपना सॉफ्टवेयर में वापस आएंगे पे बिल पे अगर आपको क्लिक करेंगे, आपको यहाँ के मतलब 10 से 20 मिनट के बाद तो आपको यहाँ पे जो आपने बिल पेमेंट किया है वो आपको दिखाएगा कि आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं है। तो ये था ऑनलाइन बिल पेमेंट और पूरी प्रोसेस, आपको एक बार ये सब कर लेना है। उसके बाद आपको आपने अगर एक बार रजिस्टर कर लिया आप अपना बिल देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं घर में बैठ कर, ये कोई बात नहीं कि आपने हॉलीडे पे पेमेंट किया या संडे है, कोई बात नहीं, आपका जब चाहे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।